हेलो दोस्तों, हैप्पी तीज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे और मैं भी बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ, बस भी समझ लीजिए। तो आज मैंने बस नॉर्मल ये साड़ी पहनी है ग्रीन कलर की, और एक ही हाथ में मैंने चूड़ी पहनी है और एक ही हाथ में मैंने मेहंदी लगाई है, वो भी छोटी सी, बिल्कुल थोड़ी सी मेहंदी लगाई है, और दूसरे हाथ में मैंने कुछ नहीं लगाया। तो थोड़ा शगुन करना ज़रूरी होता है, तो शगुन क्या है, थोड़ी ग्रीन चूड़ी पहनी, थोड़ी ग्रीन साड़ी पहनी, थोड़ी नहीं मतलब पूरी ग्रीन साड़ी पहनी है, क्या बोलती हूँ यार मैं कि थोड़ी ग्रीन साड़ी पहनी, और हाथ में ना आज कैमरा भी नहीं ले पा रही हूँ, और बाल ना भूत बन गए मेरे। मैंने सोचा था कि मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में ही तैयार होके और वीडियो शूट करूँगी, बट नहीं हो पाया क्योंकि मैं थक गई बहुत ज़्यादा, और फिर मैं लेटी, और जब मैं लेटी ना तो सुबह मतलब शाम को 5 बजे मेरी आँख खुली, इतना ज़्यादा मैं मतलब थक गई थी। थोड़ी देर बैठूँगी, और ये देखिए मेहंदी ना 5 मिनट में इतनी ज़्यादा रेड हो जाती है मेरी। तो अब मैं आई हूँ किचन में और बनाऊँगी मूंग दाल की कचौरी, आलू की, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाने का मन था, लेकिन वही है जितना हो सकता है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। और सावन में ना मेरा फेवरेट घेवर मुझे बहुत पसंद है, पर वही है बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है क्योंकि उसमें चीनी होती है, और चीनी आजकल मैंने अवॉइड की है क्योंकि जैसे ही मैं चीनी लेना शुरू कर देती हूँ मेरी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, तो अभी मैंने चीनी जो है छोड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो मैं खीर बना रही थी उसमें भी चीनी डली है, बट मैंने थोड़ी सी ज़रूर ली है क्योंकि ऐसा नहीं होता कि घर में बने और ना खा पाए, तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने लिया था। और यहाँ पे जो कटोरी में मैंने अलग से निकाला है जिसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला क्योंकि इसका जो है मैं भोग बनाऊँगी अपने लड्डू गोपाल का, और ये पनीर जो है अभी रखा है, अच्छे से पकेगा तब बन जाएगा। यहाँ पे मेरा प्रसाद जो है ना पूरा रेडी हो चुका है, तो सबसे पहले जो है भोग लगाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल को, और मन्नत ही कर रहा है आज पूजा, आज नहीं मतलब 2-3 दिन से यही कर रहा है, तो यही जो है भोग लगाएगा। और मैंने लिया है गुड़ चना क्योंकि आज शनिवार है, तो हमारे जो बालाजी हैं उनका प्रसाद लगता है गुड़ चना, तो मैं उनके लिए भी रख दिया था। और यहाँ पे लगा रहे हैं हम घेवर जो मतलब स्पेशली तीज पे पूजा जाता है, उसका भोग लगा रहे हैं। और मन्नत को ना मन्नत कोशिश करता है कि वो पूरा जो है हनुमान चालीसा पढ़े, लेकिन उसको कुछ लाइनें ही याद है, उसके बाद भी जितना भी हनुमान चालीसा रह जाता है ना उसको वो कुछ ना कुछ बोलता रहता है, मतलब पूरा क्लियर नहीं बोल पाता, लेकिन जो भी उसको लगता है मन में वो बोलता रहता है, जो एक एक शब्द भी याद होते हैं ना उसको वो करता रहता है। तो यहाँ पे जो है ना आजकल मैं मटकी में दही बना रही हूँ, और ये गाय की दूध की दही है, देखो कितनी मतलब गाढ़ी जमती है और खाने में भी एक अलग ही टेस्ट आता है। तो आजकल जो मेरे डॉक्टर हैं उन्होंने दूध बंद करके मुझे दही बोला है खाने के लिए, तो मैं अपने लिए दो ऐसी छोटी सी हांडी लेकर आई हूँ, एक अपने लिए और एक बच्चों के लिए, जो है इसी में दही बनाती हूँ। तो फटाफट से मैं लेके चलती हूँ, सबसे पहले खिलाऊँगी अपने लड्डू गोपाल को यानी कि मन्नत को, तो मन्नत के लिए लेके जा रही हूँ मैं, और फिर मैं खुद खाऊँगी। और मैं पनीर, मुझे पनीर पसंद नहीं है, तो मैंने सिर्फ पूरी और खीर के साथ खाई मैंने पूरी, और थोड़ा घेवर खाया क्योंकि मुझे ना मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं मतलब बहुत कम कंट्रोल कर पाती हूँ मीठे को देख के, तो आज तो बनता है तो थोड़ा लिया। हैप्पी तीज टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली, हाँ फैमिली ही है मेरा, क्योंकि घर के बाद अगर मैं किसी से इतना ज़्यादा क्लोज हूँ कि उनको हर एक चीज़ बताती हूँ, हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, तो वो आप ही लोग हैं, और आपके सपोर्ट से, आपके प्यार से मतलब बहुत मन खुश हो जाता है जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्यार देते रहें और कमेंट प्यारे प्यारे करते रहें, और आप सभी की लाइफ में ये तीज जो है हमेशा बनी रहे, हमेशा खुशियाँ बनी रहे, हरा भरा आप लोगों का परिवार रहे। और इस तरह की साड़ी है, कुछ ब्लाउज़ मैंने रेडी नहीं कराया था, और फिर पता नहीं मैं मतलब मन हुआ कि थोड़ी देर के लिए साड़ी पहनती हूँ, तो फिर मैंने साड़ी पहन ली, काम वाम पूरा करने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए मतलब साड़ी पहनी है, और फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे वीडियो शूट तो नहीं हो पाई, लेकिन मुझे इतनी तेज़ नींद आई कि मैं सो गई। और मुझे ना मतलब कुछ दिनों से इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, मतलब रात में भी और दिन में भी किसी भी समय मुझे सुला दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बिल्कुल जैसे कुंभकर्ण नहीं होता, कुंभकर्ण की जैसी हो गई हूँ। तो मैं पूरा लुक, और मैंने एक बस
नॉर्मली गले में कुछ नहीं पहना है, सिर्फ मंगलसूत्र पहना है और ये तो मेरे गले में हमेशा रहता ही है, और ज़्यादा कुछ नहीं पहना। और हाँ, मेकअप किया है मैंने, लिपस्टिक तो भी लगाती हूँ, मैंने क्रीम लगाया, पाउडर भी लगाया, काजल भी लगाई है। काजल मुझे बहुत पसंद है आँखों में, काजल मेरा फेवरेट है। और पता नहीं क्यों बस वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब थोड़ा सा होता है ना जब अंदर से खुश होती हूँ मैं, या मुझे लगता है कि हाँ मैं मतलब बहुत हैप्पी हूँ, तभी मैं वीडियो बनाने का भी मन करता है। और जब अंदर से ऐसा होता है ना और कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ आपको पता चल रहा होगा, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मुझे सो जाना चाहिए, मतलब इतनी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। देख रही हूँ किसी का ब्लाउज़ किसी भी पहन लेना मेरी आदत है, मैं मतलब मैंने बना ही नहीं पाई थी। और ये देखिए मैंने मांग टीका भी लगाया था, ये कहाँ पे बालों में फंसा है, तो इस तरीके से मैंने ये आज लगा के देखा था मांग टीका भी। तो आज मैंने बनाया था अपने बच्चों का फेवरेट पनीर की सब्जी और खीर, और मीठा होना बहुत ज़रूरी है, खीर बनाई। और मैंने मूंग दाल की कचौरी बनाई, आलू की कचौरी बनाई है, नॉर्मल भी बनाई है, तो काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब बना डाली और सुबह ही मतलब तैयारी कर दी थी मैंने, इसीलिए मैं इतना लेट तक सो गई, मतलब 1:30 बजे मैं सो गई थी और 5 बजे उठी थी। तो ये टीका तो मुझ पर नहीं अच्छा लग रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, टीका अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी घर में हूँ तो कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। मुझे ना मतलब बहुत शौक है अपने आप को सजाने का, संवारने का मुझे बहुत शौक है, और साड़ी पहनने का तो मुझे इतना शौक है ना, इतना शौक है साड़ी पहनने का कि मुझे लगता है, पर मैं मतलब उसको हैंडल नहीं कर पाती हूँ, साड़ी को मतलब कैरी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मुझे इतना शौक है ना, अगर मुझे थोड़ा भी टाइम मिले ना मैं साड़ी पहन के जो है ना रेडी हो जाती हूँ। और एक बार गुड़गांव के जो मॉल है एम्बियंस मॉल में, वहाँ पे मेरी जो है साड़ी खुल गई थी पूरी, तब मेरी शादी, मेरा बेटा भी हो गया था, हाँ शादी को 3-4 साल हो गए थे, मेरा बेटा भी था, तो तब से मेरे जो है ना मैं डर गई, तब से मैं डर गई। और पता साड़ी निकली तो निकली, और साड़ी निकलने के बाद भी ना पूरा मतलब मैं खड़ी रही वहाँ पे ना, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। और फिर उधर से 2-3 आंटी जा रही थी, शायद उनको लगा होगा कि मतलब बच्ची है, नहीं समझ में आ रहा, मतलब बहुत छोटी सी थी, तो वो मेरे पास आई, और आने के बाद उन्होंने मुझे अच्छे से साड़ी करके दी, क्योंकि मुझे, मैं वहाँ से पहन के आई थी, एक दीदी रहती थी हमारे यहाँ, उनसे पहन के आई थी, मुझे साड़ी का बहुत शौक़ था, बहुत अच्छी लगती है मुझे साड़ियाँ, तो उनसे पहन करके आई थी। और फिर वहाँ पे मॉल में ऐसा हो गया, उसके बाद ना फिर मैंने कभी, तो धीरे धीरे मुझे पहनना तो आ गया, लेकिन अब मुझे उसको संभालना नहीं आता है फिर भी, तो अच्छा लगता है साड़ी पहनना, मुझे तो बहुत शौक़ है साड़ी पहनने का। और मुझे मतलब अपने आप को देखना, अपने आप को बना के रखना, अपने आप को बहुत अच्छा लगता है। और चाहिए अपने आप से बना बहुत ज़रूरी है, जब हम अपने आप से प्यार करेंगे ना तभी दूसरे लोगों की हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब अब इसको कुछ भी कह लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने आप को सजाना, क्या होता है वो सजा सवरा देखना, लेकिन नॉर्मली क्या होता है घर में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी जो मूड होता है, मतलब ऐसे नहीं होता कि डेली रेडी होके घूमो, लेकिन कई बार ना कभी कभी इतना गंदे वाला मूड होता है कि यार आज कुछ करो, तो फिर रात के 12 बज रहे हैं 1 बज रहे हैं कितना भी बज रहा हो, जब मेरा मूड होता है ना तो मैं ज़रूर पहनती हूँ। तो साड़ी का कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ही सस्ती है ये साड़ी ना, बहुत, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है, मतलब रियल में अच्छी लग रही है। तो चलिए आज तो हमारी तीज बस ऐसे ही गई, मैंने आप लोगों से शेयर किया क्या क्या बनाया, क्या क्या किया, झूला झूलना रह गया बस, और ये टीका है ना मुझे निकाल देना ही चाहिए, तो चलिए इसको निकालते हैं और अपना शमी का पौधा लगाने चलते हैं, है ना। तो शमी का पेड़ लगाएंगे, मैंने कल एक प्लांट वाला जा रहा था, तो मैंने उनसे शमी का पौधा लिया जो बहुत अच्छा होता है, और जो सावन के महीने में अगर लगाते हैं, तो अब मैं उसको लगाने जाऊंगी, चेंज करके जाऊंगी, साड़ी में तो नहीं हो पाएगा, तो वो भी आपसे शेयर करूंगी। तो इसी तरीके से शमी का जो है ना पेड़ हमें लगाना चाहिए, छोटा सा बच्चा लगाना चाहिए, मतलब बड़ा पेड़ नहीं लगाना चाहिए, छोटा सा लगाना चाहिए। तो चलिए मैं उसको लगाती हूँ, और फिर आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए बाय।